नमस्कार दोस्तों, बोल्ड स्काई में आप सभी का स्वागत है। हरतालिका तीज का व्रत हिंदू धर्म में सबसे बड़ा व्रत माना जाता है। ये तीज का त्यौहार भादों की शुक्ल तीज को मनाया जाता है। खास तौर पर महिलाओं द्वारा ये त्यौहार मनाया जाता है। लड़कियां भी मनचाहा वर पाने के लिए इस व्रत को करती हैं। हरतालिका तीज में भगवान शिव, माता गौरी एवं गणेश जी की पूजा का महत्व है। ये व्रत निर्जला किया जाता है। इस बार हरतालिका तीज 30 अगस्त को पड़ रही है। इस व्रत में विशेष तौर पर माता गौरी के पार्वती रूप और शिव जी को पूजा जाता है। कहते हैं कि शिव जैसा पति पाने के लिए कुआरी कन्या भी इस व्रत को विधि विधान से करती हैं। अगर आप हरतालिका तीज का व्रत पहली बार रख रही हैं, तो आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि हरतालिका तीज के व्रत नियम क्या हैं। हरतालिका तीज का व्रत निर्जला किया जाता है, मतलब पूरा दिन और रात और अगले दिन सूर्योदय तक जल ग्रहण नहीं किया जाता। हरतालिका तीज व्रत कुवारी कन्या सौभाग्यवती महिलाओं द्वारा किया जाता है। हरतालिका तीज व्रत का नियम है कि इसे एक बार शुरू करने के बाद छोड़ना नहीं जा सकता। इसे हर साल पूरे नियमों के साथ किया जाता है। हरतालिका तीज व्रत के दिन रथ जगा किया जाता है। पूरी रात महिलाएं एक साथ होकर नाच गाना भजन करती हैं, नए वस्त्र पहनकर श्रृंगार करती हैं। ये व्रत जिस भी घर में होता है वहां इस पूजा का खंडन नहीं किया जा सकता, अर्थात इसे एक परंपरा के रूप में हर साल मनाया जाता है। हरतालिका तीज के व्रत से जुड़ी कई मान्यता है, जिनमें इस व्रत के दौरान जो सोती हैं कहते हैं कि वो अगले जन्म में अजगर बनती हैं। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। ऐसे ही तमाम जानकारियों के लिए चैनल से जुड़े रहें और बोल्ड स्काई को सब्सक्राइब करना ना भूलें।